ठीक है, अभी हाल में ही सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर लगातार केजरीवाल और सांसद जी वो राहुल गांधी बराबर सबूत मांग रहे हैं, उसके लिए क्या कहना है? नहीं, राहुल गांधी जी सबूत मांग रहे हैं, हमने कहा रुड़की में कहा और बड़े सच्चे दिल से कहा, आज सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जिस तरीके से सेना ने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, देश की सम्मान बढ़ाने का काम किया है, आतंकियों के ऊपर हमला किया है, ये कोई गुनाह नहीं किया है। जिस तरीके से राहुल गांधी या कोई और उसका सबूत मांग रहे हैं, राहुल गांधी किस आधार से सबूत मांगेंगे, क्यों मांगेंगे? अगर मैं कहूं कि राहुल गांधी सबूत दें तो वो अपने फादर से हैं कि नहीं है तो क्या सबूत दे देंगे? वो ऐसा नहीं है कि वो सबूत दे देंगे। कुछ रणनीति तो ऐसी होती है कि जिसके तहत सेना ने अपनी रणनीति बनाई, उसके तहत उन्होंने अपना अटैक किया, तो उसको आम पब्लिक में उस राजनीति को उस रणनीति को फैलाने का कौन सा पूछने का अधिकार है राहुल गांधी को? राहुल गांधी ने 60 साल के पीरियड में जनता की खून पसीना की कमाई को चूसने का काम किया, उनके जीजा श्री ने जिस तरीके से धोखे धड़ाके से कम लेकर के अरबों खरबों रुपए कमाने का काम किया और हजारों करोड़ रुपए के घोटाले राजीव के जमाने में हुए, क्या जब राजीव गांधी सो गए थे क्या? राहुल गांधी सो गए थे क्या? आज जिस तरीके से एक देश का प्रधानमंत्री पूरे विश्व में जिस तरीके से ईमानदारी से काम कर रहा है, उसका जनसमर्थन जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसको उसकी बौखलाहट में माननीय मोदी जी की बौखलाहट में इस तरीके के बयान ये पूछे जा रहे हैं, इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि सबूत क्या देंगे क्या नहीं देंगे। केजरीवाल के लिए क्या कहना है? केजरीवाल के लिए मुझे कुछ नहीं कहना, ये सब पागल हो चुके हैं, इनको आगरा के या तो मानसिक हॉस्पिटल में बंद करा दिया जाए, इनको या पाकिस्तान भेज दिया जाए, सब जो देश की गद्दारी की बात करते हैं।